हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीट्यूबर। तो आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग तो खूब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो। और इसमें क्रैकर्स का, जैसा कि मैंने कहा था, क्रैकर्स का कम यूज़ करना, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कम यूज़ किया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं जितना भी बोल दूँ आप इस बात को तो कुछ हद तक मानोगे। अब फिलहाल तो नहीं मान सकते, क्योंकि दिल तो बच्चा है, जैसा आपने सुना होगा, है ना। इसलिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यानी भी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम क्रैकर्स का यूज़ करो, हमारे सराउंडिंग को, हमारे इन्वायरमेंट को, है ना, साफ बचाओ, साफ रखोगे, सही सुरक्षित रखोगे, ये आपके काम आएगा, हमारे काम आएगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ इस बात पर आप लोग अमल करना, फॉलो करना। तो हम लोग चलते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 33 क्या कह रहा है, आइए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इन अ क्लासरूम। फोर स्टूडेंट सीता, गीता, रीता एंड अनीता। सीता, गीता, रीता एंड अनीता आर सिटिंग एट ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। देन अ न्यू स्टूडेंट अंजलि ज्वाइन द क्लास। आप देख रहे हो ये ग्राफ है इस तरीके से, यहां पे ए बी सी डी जो देख रहे हो, ए बी सी डी में ए पर कौन है, देख सकते हो कौन है, सीता, फिर गीता, फिर रीता एंड अनिता। ये चार गर्ल्स है, ठीक है, चारों फ्रेंड्स है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स जिसे कहते हैं हम लोग। लेकिन पता ये चलता है कि इसमें एक और अंजलि जो है वो आ जाती है, यानी पांच फ्रेंड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब अंजलि कहाँ पे आती है, आगे इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है, क्या कहता है, आइए देखता हूँ फिगर। आप लोग ग्राफ इसको देख लो बढ़िया से, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन जो होगा इसी ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन जो हमारा कह रहा है, टीचर टेल्स अंजलि टू सिट इन द मिडल ऑफ द फोर स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजिशन वेयर शी कैन सिट। आप देख रहे हो एबीसीडी है, ए बी सी एंड ई, अंजलि जो है बिल्कुल एक मिड में बैठ रही है, तो हमें पता लगाना है कि उसका, अंजलि का कोऑर्डिनेट क्या होगा और कहाँ बैठती है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका अंजलि बिल्कुल मिड में कहा जा रहा है, तो मिड मिड कहा जा रहा है तो हम लोग कैसे समझेंगे मिड में, कैसे समझेंगे मिड में, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको एक लाइन ज्वाइन करना होगा। तो सोच सकते हो ये आपका क्या होगा, एसी, और ये क्या होगा, बीडी। इस तरीके से आपका ये जो है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हो ये मिड पॉइंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मिड पॉइंट हमने कैसे अज्यूम किया। तो याद करें, किसी भी रेक्टेंगुलर कोई शेप का हो और उसका मिड पॉइंट अगर फाइंड करना हो, सेंटर मालूम करना हो, तो आप क्या करोगे जानते हो, डायगोनली हम डायगोनल मिड कर देते हैं। जैसे आप डायगोनल मिड करा दोगे उसका एग्जैक्ट सेंटर आपको अज्यूम हो जाओ, वरना ऐसे सोचोगे कि यहां से यहां पे है, यहां पे ऐसा करोगे ना इसे, हाँ यहां पे ये सेंटर होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, एग्जैक्ट आपको लोकेशन नहीं मिल सकता। तो एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाना है तो उसके क्या करो, डायगोनल को मिट कराओ, और डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सेंटर होगा, क्लियर। तो यहां पे आप गॉस मार सकते हो, सेंटर हमारा यहां मिल गया, यानी यहां पे कौन है, अंजलि है, कौन है, अंजलि है, क्लियर है। अब ये अंजलि है जो, इसका आप नाम दे दो ई वन। अब पूछ क्या रहा है कि अंजलि का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो कहां पे है, तो सोच सकते हो इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं, जानते हो ना। तो एक्स में कितना हो जाएगा, 6, और वाई में कितना होगा, 4, यानी कि ई का कोऑर्डिनेट होगा, यानी अंजलि का कोऑर्डिनेट जो होगा, सॉल्यूशन इसमें लिखे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अंजलि, कोऑर्डिनेट ऑफ अंजलि क्या होगा, 6, 4, क्लियर है। अंजलि का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 6, 4। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं उसमें क्या जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट तो मालूम हो गया, क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सीता एंड अनीता। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले पहचानो कि इसमें सीता, गीता, रीता कौन है, यहां पे क्या है, सीता, गीता, रीता एंड अनीता, यानी सीता जो है आपका ए है, यह सीता एस लिखता हूं, ठीक है, उसके बाद बी पर गीता है, इसको लिखता हूं जी, उसके बाद क्या है, रीता आर और अनीता ए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सीता एंड अनीता, सीता और अनीता के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप जरा देख लो, सीता कहां है, यहां है, अनीता कहां है, यहां है, मतलब आपको ये डिस्टेंस मालूम करना है।
ये डिस्टेंस मालूम करना ना, तो सीता और अनिता का जो डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सीता और अनिता का कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा, राइट ना। तो सीता का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप जरा गौर फरमाओ, सीता यहां ना, तो सीता का थ्री और फिर क्या होगा, थ्री और फोर, ये सीता का कोऑर्डिनेट हुआ। और अनिता का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो सिक्स वन, सिक्स वन, क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना, सीता और अनिता के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब क्या फाइंड करना, एडी। ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ और सेकंड का सॉल्यूशन अब बना रहा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सीता एंड अनिता क्या करेंगे, आप जरा गौर फरमाओ, हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा था x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखे, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा कुछ आंसर आता है, 6 माइनस 3 कितना, 3 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 कितना, माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और कितना 18 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 3 root 2 यूनिट। यानी कि आपको मैं बता दूं, सीता और अनीता के बीच का डिस्टेंस जो हमारा होता है यहां पे 3 root 2 यूनिट, क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारा क्या करा इसी का, थर्ड का सॉल्यूशन हुआ, विच टू स्टूडेंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गीता, गीता से कौन इक्विडिस्टेंट पे है आपको पता लगाना है, तो इक्विडिस्टेंस गीता से, गीता यहां है तो गीता से कौन इक्विडिस्टेंट होगा, सोचो, सीता होगा या रीता होगा, आप अंदाजा लगाओ। तो मैं आपको बता दूं कौन इक्विडिस्टेंट सोच सकते हो, कुछ इस प्रकार है ना। तो मैं आपको बता दूं इस गीता से कहा जा रहा है क्वेश्चन, विच टू स्टूडेंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गीता, तो सोचो कौन होगा, सीता और रीता हो। पूछो क्यों, इसलिए कि जब आप ये डिस्टेंस फाइंड करोगे ना सेम आएगा, और ये डिस्टेंस फाइंड करोगे सेम आएगा। अब उसे कैसे सर, तो मैं आपको बता दूं, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वही आर का भी कोऑर्डिनेट होगा, मतलब रीता का कोऑर्डिनेट होगा, यानी सीता का कोऑर्डिनेट और रीता का कोऑर्डिनेट, नहीं कैसे कहते हैं कोऑर्डिनेट सेम होगा, रीता का कोऑर्डिनेट तो आपका हो जाएगा क्या चीज, नाइन और फोर है ना, और इसको अगर एज्यूम मिला देते हैं सपोज, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा जानते हो, स्क्वायर बन जाएगा, सिक्स और ये सेवन हो जाएगा, ये एक तरह से स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर जब बन जाएगा तो इस गीता से जो इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब समान दूरी पे जो होगा कौन होगा, सिक्स माइनस थ्री का स्क्वायर कितना, थ्री का स्क्वायर 9, तो आप देख सकते हो गीता से कौन डिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट कौन है, सीता और रीता। पूछो क्यों, आप देख सकते हो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, मतलब आप जो फाइंड करोगे ना तो आपका सेम डिस्टेंस आएगा, एजी यानी कि ए बी और कौन सा है ना, ये दोनों सेम डिस्टेंस पर, यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा इक्विडिस्टेंट वाली बात, तो कौन होगा, गीता से कर रहा है सीता एंड रीता, सीता एंड रीता जो होगी वो सेम डिस्टेंस पे होगी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 34 हमारा जो क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड x - 2y = -12 अलजेब्रिकली एंड Hence find the value of m for which y equal mx + 3। आप जानते हो ये y equal mx + 3 जो है ये किसका इक्वेशन है, ये किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में y equal mx + c। यहाँ पे कुछ वैसा ही है y equal mx + 3, ये किसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब हमें जो यहाँ पर दो इक्वेशन जो दे रहा है, यहाँ पर एक इक्वेशन हमारा ये है एंड अनदर इक्वेशन इज दिस। अब इस दोनों को अलजेब्रिकली हमें सॉल्व करना है, तो याद करिए अलजेब्रिकली हम लोग सॉल्व तीन मेथड देखे थे हम लोगों ने, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और थर्ड तथा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का अप्लाई करते हुए जो आपको सुटेबल और अच्छा लगे, आसान लगे, उस मेथड का यूज करके हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं।
हमारा जो इक्वेशन है 2x plus 3y equal 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन हमारा जो है यहाँ पे x minus 2y equal minus 12। आप इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करो, इक्वेशन 2 एज्यूम करो। अब ये 1 और 2 है तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या करना होगा, आप देख सकते हो 2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 2 4x plus 6y 22। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 3x minus 6y equal minus 36। क्लियर है? अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे साइन तो ऑलरेडी चेंज है ही है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 4 क्या होता है 7x equal minus 36 और प्लस 22, यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हो -6 minus 2 = 4 3 minus 14 होगा। क्लियर है? और यहां पर जब x 7 में हम लोग फाइंड करेंगे तो -14/7 क्या आएगा -2, यानी x का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या आता है -2। अब x का जो वैल्यू आ गया तो हमें क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें पुट करेंगे कौन सा इक्वेशन 1 में, तो 2x प्लस 3y इक्वल 11, तो 2 इंटू x वैल्यू क्या हमारे यहाँ पे -2 है, तो -4 प्लस 3y इक्वल 11, 3y इक्वल क्या होगा 11, और -4 जब उधर जाता है साइड चेंज साइन चेंज तो क्या हो जाएगा +4, तो 11 4 5 क्या होगा 15। देखो y का वैल्यू मेरे को क्या आ गया 5, यानी x का वैल्यू मेरे को क्या आया, x का वैल्यू हमें आया क्या चीज -2 और y का वैल्यू क्या आया 5 है। इस तरीके से हमें x एंड y का वैल्यू आता है। अब उसके बाद हमें जो फाइंड करना है, ये एक्सप्रेशन दे रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा, मतलब y का वैल्यू और x का वैल्यू जो हमें आया है अभी रिजल्ट में उसको पुट करके किसका m का वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो आइए देखते हैं क्या दे रहा है इक्वेशन, y इक्वल mx plus 3, तो y मेरे को कितना आया 5, m इंटू एक्स कितना है -2 और प्लस 3, तो 5 इक्वल क्या लिखेंगे -2m plus 3, तो 5 minus 3 equal -2m, -2m इक्वल क्या होगा 2, therefore m का वैल्यू जो होगा 2y minus 2, यानी क्या आ जाएगा -1, यानी m का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आता है -1 एंड x और y का वैल्यू होता है -2 and 5। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन सेक्शन सी का टोटली क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट डे सेक्शन डी की ओर, और सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खास करके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। तो मेरे ख्याल से आज के इतना ही, थैंक यू।